हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप अपने ब्लूटूथ से कोई डिवाइस कनेक्ट करा रहे हो तो यहाँ पर ब्लूटूथ को इस तरीके से ऑन कर रहे हो और ऑन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अवेलेबल डिवाइस में उस डिवाइस का नाम नहीं आ रहा है। स्कैन होकर यानी कि सर्च होकर यहाँ पर अवेलेबल डिवाइस में इस तरीके से नाम नहीं आ रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस ब्लूटूथ को कनेक्ट कराना चाहता हूँ, ये बोट का है, तो यहाँ पर अवेलेबल डिवाइस में सर्च स्कैन होकर ये डिवाइस नहीं आता है, यानी कि इसका ब्लूटूथ यहाँ पर अवेलेबल डिवाइस में शो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी स्मार्टफोन में कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है कि अवेलेबल डिवाइस में किसी डिवाइस को आप कनेक्ट कराना चाह रहे हो तो यहाँ पर सर्च स्कैन होकर वो डिवाइस देखने को नहीं मिलती है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से अपने स्मार्टफोन से सॉल्व कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार पावर बटन को प्रेस करके इस तरीके से रिबूट या रिस्टार्ट कर दीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, रिबूट का ऑप्शन देखने को मिला, इसी पर आपको क्लिक करके एक बार अपने फोन को रिबूट या रिस्टार्ट कर दीजिएगा। देन सेकेंड काम, आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी ऐप्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पे मैनेज ऐप्स करके ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसी थ्री डॉट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको शो ऑल ऐप्स का ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्च बार देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है ब्लूटूथ। किस तरीके से? इस तरीके से ब्लूटूथ आप लिख कर सर्च करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ब्लूटूथ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोर्स स्टॉप का, इस पर पहले आपको क्लिक करके ओके कर देना है। सेकेंड काम, यहाँ पर आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको क्लियर ऑल डाटा इस बार क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। देन आपका क्लियर ऑल डाटा हो जाएगा ब्लूटूथ का। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसको भी MIUI ब्लूटूथ इस तरीके से होगा, इसको भी आपको इस तरीके से क्लिक कर लेना है। इसके क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, सेम काम करना है कि आपको अपने फोर्स स्टॉप कर देना है, ओके कर देना है, देन क्लियर डाटा कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऑल क्लियर डाटा, देन आपको ओके कर देना है। इतना कर दीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपने ब्लूटूथ को एक बार ऑन एक बार ऑफ कर लीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपने ब्लूटूथ को दोबारा इस तरीके से प्रेस करके रखेंगे तो फ्रेंड्स, आप जिस भी डिवाइस को कनेक्ट कराना चाहेंगे यहाँ पर सारे डिवाइस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बोट रॉकेट करके 255 प्रो करके इस तरीके से मेरा यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन आ गया है, जो कोई ऑन है फिर भी यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप में सर्च स्कैन होकर यहाँ पर अवेलेबल डिवाइस में देखने को नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने स्मार्टफोन में इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।